राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम वैसे तो सारे देश में मची हुई है, पर इसका असली रूप देखने को मिलता है राधा रानी के गांव बरसाने में, जहां पर रात को धूमधाम से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया और दूध दही शहद गंगा जल से अभिषेक किया गया और इस अलौकिक नजारे के लाखों भक्तों ने दर्शन कर अपने दुख दूर करने की कामना की। राधा रानी के जयकारे बरसाने में जिस तरह से लग रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हकीकत में राधा रानी का जन्म यहाँ हुआ है। यहाँ देश विदेश से आए लाखों भक्त खूब भक्ति में झूम रहे थे। भक्तों ने जमकर भजनों का आनंद उठाया। मंदिर में इस दौरान काफी भीड़ लगी रही। राधा रानी के जयकारे से समूचा नगर झूम उठा। आपको बता दें कि मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा है वृषभान का बरसाना गांव। आज ही के दिन लगभग 5000 साल पूर्व राधा रानी का जन्म हुआ था। मथुरा के बरसाना में हर वर्ष ये दिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृषभान दुलारी के पहाड़ों पर बने इस मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। प्रातःकाल ये हमारा जो अस्तगत से पंचाम से अभिषेक किया जाता है, उसके तत्पर ये हमारा समय अभिषेक होता है 5:30 बजे। 5:30 बजे से लेकर आधा घंटा पौने घंटे करीब होता है और यहाँ जो भीड़ देखते हैं तो 1 घंटे का भी समय बढ़ाया गया है। उसके बाद जो 6:30 बजे मंगल आरती होती है, उसके तत्पश्चात 9 बजे यहाँ पर नचना बरसाने के जो मंगल गायन होता है, बधाइयाँ होती है बाबा वृषभान के, आज मंगल भीड़ इस प्रकार से पदरावली होती है और ये सब समाज ये समारंभ बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। सायंकाल को श्री राधा रानी का हिंडोला नीचे छतरी में जाता है और वहाँ सायंकाल को आरती जो होती है उसको महाता नाम से बोलते हैं, जो गोस्वामी पुजारी वर्ग होते हैं उनकी जो विवाहित पुत्री है वो करती है। वो जन्मदिन के उत्सव में शामिल हुए हो, आपको यहाँ कितने समय से आते आते हो गए या पहली बार आप आए हो यहाँ? देखिए मैं लाडलू जी की तो पहली जय बोलूंगी, बोलिए लाडली सरकार। बहुत विशेष आनंद आ रहा है और ये आनंद जो है इसका मैं व्याख्या नहीं कर सकती। और मैं यहाँ पर करीब 17 वर्ष से आ रही हूँ और 17 वर्ष आने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ है कि राधा रानी जब तक राधा रानी की विशेष कृपा न हो तब तक यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है। और विशेष कृपा और विशेष आनंद इसमें यहाँ पर बरस रहा है और मैं सारे भक्तजनों से और विशेषकर जो लोग टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं उन सबको मैं प्रार्थना करूँगी कि वो हर वर्ष कोशिश करके जहाँ तक हो सके सारे कामों को छोड़ के राधा रानी के दर्शन करने और उनके जन्म दिवस पे उनके हैप्पी बर्थडे मनाने जरूर आए। मैं जरूर प्रार्थना करूँगी। जय जय श्री राधे। जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है इसमें काफी मात्रा भीड़ देखी जा रही है, ये भीड़ वहाँ कहाँ से आती है और कितनी आती है ये आपको कुछ जानकारी के अनुसार? यहाँ पर इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसमें देश विदेश के हमारे अस्तियों के गांव के और यहाँ के जो स्थानीय भक्त लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं और देश विदेश के और विश्वभर के सभी स्थानों से इस उत्सव में भाग लेने के लिए भक्त लोग यहाँ पर लाडली जी की कृपा लेने के लिए। ये जो जन्मोत्सव मनाया जाता है इसे किस विधि विधान से मनाया जाता है? ये जन्मोत्सव राधा रानी का जन्म सुबह 4 बजे इनका जन्म हुआ और सुबह 4 बजे जन्म होने के बाद ऐसा इनका दर्शन किए जाएंगे हर साल की तरह। पहले समय के अनुसार समय भीड़ कम थी तो समय भी कम था जन्म का, लेकिन आज की पब्लिक के हिसाब से दर्शन कराने के लिए 4 बजे सुबह अभिषेक हुआ जो 45 मिनट का चलता है। और 5 बजे तक हर साल राधा रानी मेल में श्री जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसकी तैयारी क्या की जाती है? विशेष तैयारी इसमें जैसे कि आप देख रहे हो अच्छा फुलगौरा बना हुआ है और अंदर जो राजेंद्र जी महाराज की तरफ से जो सेवा होती है वो उसमें बड़े बड़े पकौड़े होते हैं दूध के दही के और महाराज होते हैं और अभिषेक होता है उसके बाद मंगला होती है, मंगला के बाद फिर आपका 8:30 बजे JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।